Hello, my dear student, and welcome you all in fourth lecture of unit waveform generator. Dear student, today we are discussing about crystal oscillator after RC phase shift oscillator. So let's start with some course outcome and its program outcome. This slide shows the course outcome for this chapter, waveform generator. Its course outcome is use BJT as a waveform generator. Bipolar junction transistor hame as a waveform generator karke use karna hai. Matlab jo hum oscillator circuit banane wale hai उसी को हम वेवफॉर्म जनरेटर्स बोलेंगे और वो ऑसिलेटर सर्किट हम विद द हेल्प ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से बनाएंगे. एंड इट्स प्रोग्राम आउटकम मैपिंग इज दिस टेबल शोज द 10 नंबर ऑफ पीओस, मतलब पीओ 1 से लेके पीओ 10 तक यहाँ पे हमारे डिसिप्लिन के रिलेटेड, यानी हमारे ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के रिलेटेड 10 नंबर ऑफ पीओस होते हैं. उस 10 नंबर ऑफ पीओस का हमें मैपिंग करना है इस कोर्स आउटकम के साथ, मतलब इसमें से कौन कौन से पीओ ये जो कोर्स आउटकम है वो सेटिस्फाई करता है. तो पीओ 1 जो होता है इंजीनियरिंग, बेसिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड, और वो हम मैप कर रहे हैं यहाँ पे एट अ लेवल 1 पे इस कोर्स आउटकम के साथ. पीओ 2 जो हमारा रिलेट करता है डिसिप्लिन नॉलेज के रिलेटेड, और वो हम मैप कर रहे हैं 3 लेवल से, क्योंकि वेवफॉर्म जनरेटर्स पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का नॉलेज हमारा अपग्रेड हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे हाई लेवल पे मैप किया है. पीओ 3 वेवफॉर्म जनरेटर यानी ऑसिलेटर के रिलेटेड हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस ये होता है पीओ नंबर 3, तो इसको भी हम मैप करेंगे इस सीओ के साथ एट अ लेवल 3. पीओ 4 जो हमारा इंजीनियरिंग टूल्स के रिलेटेड है, तो हमें इंजीनियरिंग टूल्स यानी सम मेजरिंग इक्विपमेंट या फिर सम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाले टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाले हैं, तो हम इसको मैप करेंगे 2 लेवल पे. सिमिलरली पीओ 9 हमें कम्युनिकेशन करना होगा, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके रिलेटेड सोसाइटी के अंदर हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा या फिर नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, तो इसको मैंने 1 लेवल पे मैप किया है. और पीओ 10 मतलब ये रिलेट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के रिलेटेड, तो मैंने इसको मैप किया है एट अ लेवल 1. हियर इट शोज द लर्निंग आउटकम ऑफ आवर टुडेज सेशन, मींस आफ्टर कंप्लीटिंग आवर टुडेज सेशन यू ऑल आर एबल टू ड्रॉ क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट, यानी आप क्रिस्टल ऑसिलेटर का सर्किट ड्रॉ कर सकते हो. सेकंड, एक्सप्लेन क्रिस्टल ऑसिलेटर. क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो भी ऑपरेशन है वो आप ये लेक्चर खत्म होने के बाद उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर. क्रिस्टल ऑसिलेटर में क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये भी आप आज का सेशन खत्म होने के बाद लिख सकते हो. एंड लास्ट वन, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर, यानी जो भी क्रिस्टल ऑसिलेटर का आउटपुट रहेगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट. दिस स्लाइड शोज द प्री रिक्विजिट नॉलेज, means before going into detail about the RC phase shift oscillator, you must to know some previous knowledge, that is need of oscillator. ये already हमने previous lecture में discuss किया है कि oscillator की ज़रूरत क्यों होती है. Next, types of feedback. Feedback यानी क्या होता है और feedback के कौन से type होते हैं. जैसे हमने feedback मतलब output में से कुछ अमाउंट ऑफ सिग्नल सिलेक्ट करके वो फिर से इनपुट के साथ मिक्स करना, इसको हम फीडबैक बोलते हैं. ये फीडबैक
दो प्रकार के होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जनरली नेगेटिव फीडबैक हम एम्पलीफायर के लिए यूज़ करते हैं और पॉजिटिव फीडबैक हम ऑसिलेटर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर, ये भी टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। ब्लॉक डायग्राम ऑसिलेटर में अगर हम उसको कंसिस्ट करते हैं एम्पलीफायर से, सिंगल स्टेज सी एम्पलीफायर से, और एक होता है फीडबैक नेटवर्क। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आज आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के पढ़ने के पहले पता होना जरूरी है कि कितने टाइप के ऑसिलेटर सर्किट होते हैं। तो आज हम उसी में से आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं। Here, this slide shows the circuit diagram of crystal oscillator. Here, we can use a transistor. Oscillator circuit is used nothing but from single stage C amplifier. So, this transistor means it is a BJT transistor. ये हमने यहाँ पे BJT transistor use किया है. So, this terminal is collector. This terminal is base. And this terminal is emitter. ये तीन टर्मिनल होते हैं BJT ट्रांजिस्टर के। Now, this transistor is used for to making the oscillator circuit. And don't forget, the oscillator is circuit is made up from single stage CE amplifier and some feedback network. यानी oscillator circuit जो हम बनाते हैं वो amplifier circuit से और उसके बीच में रहेगा feedback network. तो ये हुआ हमारा, ये यहाँ से पूरा जो रहेगा वो है हमारा एम्पलीफायर सर्किट, और आउटपुट टर्मिनल जहाँ पे रहेगा, देख लीजिए यहाँ पे वी आउट लिखा है। वी आउट मतलब आउटपुट वोल्टेज, यानी कलेक्टर टर्मिनल से हम हमेशा आउटपुट लेते हैं। ओके, तो आउटपुट टर्मिनल से जो भी हमारा आउटपुट रहेगा वो आउटपुट फिर से हम इस क्रिस्टल द्वारा हम इनपुट के साथ मिक्स कर रहे हैं। सो दैट इज आवर फीडबैक नेटवर्क। ये जो यहाँ से दिख रहा है आपको, ये क्या होगा? फीडबैक नेटवर्क। और ये जो पूरा सर्किट है ये रहेगा अपना एम्पलीफायर। सो दिस इज अबाउट द क्रिस्टल ऑसिलेटर। नाउ दिस R1, R2 एंड RE फॉर्म्स द वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टेक्निक्स। ओके, यानी जो हमने प्रीवियस एम्पलीफायर के सर्किट में, यानी एम्पलीफायर जो हमारा लो पावर एम्पलीफायर चैप्टर था वेरी फर्स्ट यूनिट में, ये हमने पढ़ा है कि गेन अगर अपने को स्टेबिलाइज चाहिए तो उसके लिए जो मोस्ट कन्वीनियंट टेक्निक है बायसिंग की वो होती है वोल्टेज डिवाइडर। तो यहाँ पे R1, R2 और RE ये फॉर्म करेंगे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टेक्निक, जिसके वजह से गेन स्टेबिलाइज रहेगा। Now this VCC is a DC supply which is used for to bias this transistor. यानी कि DC bias provide करेगा ये transistor को bias करने के लिए। हमने collector terminal पे RFC coil connect की है। RFC means it is a radio frequency coil. हमने यहाँ पे क्या provide किया है? Collector terminal पे radio frequency coil. This C is a coupling capacitor. ये क्या है? Coupling capacitor जो output से कुछ amount लेगा और वो इस crystal के द्वारा हम input के साथ जोड़ रहे हैं। Mean this is our feedback network. This C means it is a emitter bypass capacitor
which provides the low reactance path for AC signal. Okay, now अभी हम डिस्कस करेंगे इस क्रिस्टल के बारे में, XTAL. ओके, तो XTAL मतलब यहाँ पे कुछ क्वार्ट्ज क्रिस्टल हमने यहाँ पे यूज किए, और वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल मटेरियल, ये दो प्लेट है, दिस इज वन प्लेट एंड दिस इज सेकंड प्लेट, ये दो मैकेनिकल प्लेट है और उसके बीच में हम क्वार्ट्ज मटेरियल वहाँ पे इंसर्ट किए. तो होगा क्या कि ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल क्रिस्टल में कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमने इस प्लेट के ऊपर कुछ प्रेशर एग्जर्ट किया, एट द सेम टाइम इस प्लेट के ऊपर भी हमने कुछ प्रेशर एग्जर्ट किया, देन दिस क्रिस्टल मींस दिस क्वार्ट्ज क्रिस्टल विल गेट वाइब्रेट. ये क्या होगा? वाइब्रेट होगा. कब? जब हम ये मैकेनिकल प्लेट पे और ये मैकेनिकल प्लेट के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, तब ये क्रिस्टल क्या होगा? वाइब्रेट होगा. एंड इफ इट विल वाइब्रेट देन इट विल जनरेट सम ऑसिलेशन. वो क्या जनरेट करेगा? ऑसिलेशन. एंड दैट ऑसिलेशन मीन्स इट इज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. यानी वो क्या करेगा? जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल. दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज अ पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल. ये जो मैंने आपको बताया कि इन दोनों मैकेनिकल प्लेट के ऊपर हम कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे और जिसकी वजह से ये जो क्रिस्टल है यहाँ पे, वो क्रिस्टल कंसिडर करेंगे अपन क्वार्ट्ज. ओके, क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन मटेरियल. वो क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होगा? वाइब्रेट होगा. अगर वो वाइब्रेट होता है तो इट विल जनरेट सम ऑसिलेशन, मतलब वो सिग्नल जनरेट करेगा, और दैट सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ एसी सिग्नल, मीन्स इट इज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो ये जो प्रिंसिपल होगा, वो प्रिंसिपल को अपन बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल. तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर ये वर्क करता है पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे, और अभी मैंने आपको बताया कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल क्या होता है. ओके, दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल ऑसिलेटर विल जनरेट अ कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी सिग्नल. यानी क्रिस्टल ऑसिलेटर में एक एडवांटेज होता है कि वो उसकी फ्रिक्वेंसी कैसे रखता है? कॉन्स्टेंट, यानी स्टेबल फ्रिक्वेंसी रखता है. इसलिए दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल ऑसिलेटर इज यूज फॉर डिजिटल ऑपरेशन, और इट विल ऑल्सो यूज फॉर इन द माइक्रो कंट्रोलर सर्किट ऑल्सो, और इन द माइक्रो कंट्रोलर आईसी ऑल्सो. ओके, क्योंकि वहां पे 12 मेगाहर्ट्ज सिग्नल की जरूरत होती है क्लॉक सिग्नल, एज अ क्लॉक सिग्नल करके, तो उस जगह पे कॉन्स्टेंट 12 मेगाहर्ट्ज की जरूरत होती है, तो तब अपन क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द सर्किट डायग्राम ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द क्रिस्टल ऑसिलेटर. हियर द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैज अ प्रॉपर्टी नोन एज अ पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. यानी जो हमने इसके पहले सर्किट में डिस्कस किया कि क्रिस्टल यानी जो क्वार्ट्ज मटेरियल है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलेंगे पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. मतलब दोनों मैकेनिकल प्लेट पे हम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे और जिसकी वजह से अपना क्रिस्टल यानी क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होगा? वाइब्रेट. अगर वो वाइब्रेट होता है तो इट विल जनरेट सम ऑसिलेशन, वो ऑसिलेशन जनरेट करेगा. पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण व्हेन एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इट विल वाइब्रेट एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अपन पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिडर करेंगे और उसको अगर अपन एसी वोल्टेज अप्लाइड करेंगे क्वार्ट्ज क्रिस्टल को, देन वो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है. बट किसके आधार पे? जब जो वोल्टेज हम उसको प्रोवाइड करेंगे उसके आधार पर ओनली. इसके पहले बारी जो फिगर अपन ने शो की थी उसके ऊपर से ये पॉइंट लिखा गया है कि अबोव फिगर शोज द सर्किट ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर यूजिंग ट्रांजिस्टर. यानी हमने बीजेडी का यूज करके यानी एम्पलीफायर का यूज करके वो सर्किट डायग्राम हमने बनाई है. क्रिस्टल इज कनेक्टेड एज अ सीरीज एलिमेंट इन द फीडबैक पाथ
फ्रॉम कलेक्टर टू द बेस, ये भी हमने डिस्कस किया कि हम आउटपुट टर्मिनल यानी कलेक्टर ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर टर्मिनल है ओके वो अपना आउटपुट टर्मिनल वहीं से हमें आउटपुट मिलने वाला है, वहां से कलेक्टर टर्मिनल से एक हमने कपलिंग कैपेसिटर यूज किया था और उसके बाद यानी उसके सीरीज में ही हमने क्रिस्टल लगाया था, यानी क्रिस्टल मटेरियल हमने वहां पे अटैच किया था और वो हम डायरेक्टली कनेक्ट किए हैं बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर को। ये पॉइंट रेफर करने के लिए आप फिर से प्रीवियस स्लाइड में जो डायग्राम हमने मेंशन की है उसको भी आप देख सकते हो कि इस तरह से है या नहीं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द रजिस्टर R1, R2 एंड RE प्रोवाइड वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग विच स्टेबलाइज DC बायस सर्किट। मतलब R1, R2 और RE ये प्रोवाइड करते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टेक्निक विच जिसके वजह से हमारा जो बायसिंग है वो कैसे रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा, यानी जो गेन वोल्टेज गेन भी अगर अपन कंसिडर करते हैं तो वो क्या होगा, स्टेबलाइज। RFC कॉइल प्रोवाइड्स फॉर DC बायस, यानी RFC कॉइल जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल वो क्या प्रोवाइड करेगा, DC बायस। द कपलिंग कैपेसिटर C हैज निग्लिजिबल इम्पीडेंस एट द सर्किट ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, यानी जो हमने कलेक्टर टर्मिनल से और क्रिस्टल ऑसिलेटर के बीच में जो कपलिंग कैपेसिटर लगाया है C, वो बहुत ही कम इम्पीडेंस वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज, यानी जैसे हमने RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की जैसे फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला में वहाँ पे हमने दिया था, वैसे ही क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसका भी यहाँ पे फार्मूला है। एंड दैट फार्मूला इज FR इक्वल टू 1/2π√LC। यहाँ पे हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल यूज किया है इसलिए मैंने यहाँ पे FR का मेंशन किया है 1/2π√LC। L मीन्स इट इज़ अ इंडक्टर एंड C मीन्स इट इज़ अ कैपेसिटर। ओके सो दिस फार्मूला इज वेरी यूजफुल फॉर टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर और इसके ऊपर के प्रॉब्लम भी बहुत आते हैं एग्जाम में, इसलिए ये फार्मूला आपको अच्छी तरीके से याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज एडवांटेज। देयर इज द वेरी फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज वेरी हाई फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी। यानी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर ये ऐसा सर्किट है जो हमें कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी देता है, यानी आउटपुट में हमें कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी मिलती है। कॉन्स्टेंट मतलब कैसी, कि जैसे RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में जो फ्रिक्वेंसी रहती थी वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती थी। समटाइम्स सपोज 1 kHz अगर मिलती है अपने को तो उसके कुछ टाइम के बाद 2 kHz मिलेंगी और 1.5 kHz मिलेंगी, 3 kHz मिलेंगी, मतलब ये कॉन्स्टेंट नहीं हुई। ओके तो इट वी मतलब वो क्या हो रही, वैरी होती हुई जा रही। लेकिन क्रिस्टल ऑसिलेटर में ऐसा नहीं होता, क्रिस्टल ऑसिलेटर में जो फ्रिक्वेंसी हमें मिलेंगी ये ज़्यादातर हाई फ्रिक्वेंसी होती है विच इज़ इन द रेंज ऑफ MHz। ओके तो और वो कैसी रहेंगी, कॉन्स्टेंट। दैट्स वाई दिस क्रिस्टल ऑसिलेटर इज यूज फॉर सम डिजिटल एप्लीकेशन। सेकेंड वन इज क्यू फैक्टर इज हाई। क्यू फैक्टर मीन्स इट इज अ क्वालिटी फैक्टर एंड विच इज कंसिडर्ड रिलेवेंट विद द इंडक्टर। ओके ये इंडक्टर के रिलेटेड हम क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे जो क्रिस्टल ऑसिलेटर का हाई होता है। थर्ड वन इज वेरी लो फ्रिक्वेंसी ड्रिप ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। यानी क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो भी आउटपुट की फ्रिक्वेंसी रहेंगी उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आता ड्यू टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज भी हुआ तो उसमें ज़्यादातर फ्रिक्वेंसी में ज़्यादातर चेंज नहीं होता है। पॉसिबल टू ऑब्टेन हाई फ्रिक्वेंसी, और मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरली हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है विच इज़ इन द रेंज ऑफ MHz। ओके जैसे 12 MHz ये फ्रिक्वेंसी क्लॉक फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है माइक्रो कंट्रोलर में, जो माइक्रो कंट्रोलर आप पढ़ोगे 4th semester में। ओके माइक्रो कंट्रोलर इज़ अ
आईसी, एक आईसी होती है, जैसे ना लैपटॉप में या फिर मोबाइल में अपन माइक्रो कंट्रोलर का ही यूज़ करते हैं फिलहाल, ओके। तो वो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, वो आपको फोर्थ सेमिस्टर में पढ़ना है। उस माइक्रो कंट्रोलर को कुछ फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है, और वो कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है, जिसको क्लॉक सिग्नल बोलते हैं अपन। वो क्लॉक सिग्नल, वो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करने का काम किसका है, क्रिस्टल ऑसिलेटर का। इसका डिसएडवांटेज है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आर नॉट इजीली अवेलेबल, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इजीली अवेलेबल नहीं होते इसमें, क्रिस्टल ऑसिलेटर में, ओके। सो आई होप कि आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुए होंगे क्रिस्टल ऑसिलेटर के। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इसलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज और क्रिस्टल ऑसिलेटर ज़्यादातर डिजिटल एप्लीकेशन में, या फिर आप बोल सकते हो डिजिटल सर्किट में, या फिर माइक्रो कंट्रोलर में यूज़ किए जाते हैं। तो आपको किसी ने पूछा कि क्रिस्टल ऑसिलेटर के एप्लीकेशन क्या है, तो आप बोल सकते हो कि यूज़ इन माइक्रो कंट्रोलर, यूज़ इन डिजिटल सर्किट अल्सो, ओके। सो हियर आई समराइज अवर टूडेज लेक्चर। सो आफ्टर कंप्लीटिंग अवर टूडेज लेक्चर, यू ऑल आर नाउ एबल टू ड्रॉ द क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट, यानी आप क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट को ड्रॉ कर सकते हो, जो हमने प्रीवियस कुछ स्लाइड में देखा है सर्किट डायग्राम। एक्सप्लेन क्रिस्टल ऑसिलेटर, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो अभी, जैसे हम एक BJT ट्रांजिस्टर का यूज़ करके एम्पलीफायर लेते हैं, और उसके कलेक्टर टर्मिनल से होते हुए बेस तक हम कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर और क्रिस्टल का यूज़ करके हम फीडबैक नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर, हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर के। तो वो एडवांटेज आपको अच्छी तरीके से लिखना है। जैसे एडवांटेज होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है उसमें, और वो भी स्टेबल यानी कॉन्स्टेंट होती है। डिसएडवांटेज होता है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर बिल्कुल भी लो फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकता है। एंड कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर, जो भी FR का फार्मूला अभी हमने देखा है 2π√LC 1/2π√LC, वो फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादातर अपन यूज़ करते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर में, ओके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स दैट वी कवर्ड इन अवर टूडेज सेशन। सो थैंक यू सो मच। In next lecture, we will discuss about sweep generator. In next lecture, में हम sweep generator के बारे में पढ़ें. Okay? Thank you so much and keep learning.